हम चलाएंगे, फिर देखेंगे कि कितना बड़ा स्नेक सांप जो स्नेक बम होते हैं वो कितना बड़ा होता है। तकरीबन ये स्नेक बम होंगे हमारे पास 2000 से 2500 के करीब होंगे, तो ये पूरे एक साथ बम जलाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इतने सारे बॉक्स थे, जो सारे बॉक्स को हमने अनबॉक्स कर दिए हैं और इतने सारे स्नेक बम इसमें से निकले हैं। ये बॉक्स थे, देखिए दोस्तों, इतने सारे बॉक्स थे। तकरीबन 15-20 मिनट के बाद हम ये अनबॉक्स कर पाए हैं और सारे स्नेक बम को हमने निकाल लिए हैं। अब सारे जो बम है उसे एक साथ जला के देखते हैं, एक साथ जलाने के बाद उसका कैसा रिस्पॉन्स होता है वो देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे बम जल चुके हैं, अब देखते हैं ये कैसे चलते हैं। देखो 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 किस तरह से बड़े हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो स्नेक बम था वो जल के अब कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए ये किस तरह से लग रहा है, देखिए इधर से दिखा। मैं कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको इधर से इसका नज़ारा दिखाए। देखो देखो ये किस तरह से लग रहा है, अभी भी जल रहा है। देखिए देखिए इतना बड़ा हो चुका है, देखो इतना बड़ा होगा हमने सोचा भी नहीं था कि ये इस तरह से हो जाएगा। इतनी सारी और तकरीबन हमारे पास 2000 से 2500 सब बम थे, इसको एक साथ जलाने के बाद इस तरह से ये हो गए। देखो ये देखो देखो वो जो एंडाकोंडा की तरह ये दिख रहा है, देखो देखो कितना बड़ा हो गया, अभी भी जल रहा है अंदर। देखिए जो 2500 स्नेक बम थे वो सबको हमने एक साथ जलाया, फिर ये इस तरह से हो गए। देखिए ठीक है दोस्तों, हमारे हाथ से वो पूरे के पूरे काले हो चुके हैं। जो 2500 जो हमारे पास जो स्नेक बम थे उसको हमने एक साथ सबको जला दिया और आपने देखा उसका रिस्पॉन्स कैसा था, जो बहुत बड़े एंडाकोंडा के रूप में वो आ चुका था, इतना बड़ा हो चुका था। देखिए दोस्तों, अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगे
तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इससे भी बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।